हेलो वीवर्स, आज मैं आपको गवारा, लोबिया और भिंडी आपको ग्रो करना बताऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसकी मैं साथ में सॉइल भी बताऊंगी, साथ की साथ में वाटरिंग की इसको कैसा वाटर चाहिए, और इसकी मैं जो छोटे छोटे प्लांट होंगे वो भी आपको दिखाती रहूँगी टाइम टू टाइम। साथ में मैं इसकी अपडेट और हार्वेस्ट करके दिखाऊँगी कि आपने कैसे इसको हार्वेस्ट करना है और कैसी हमारी इसकी ग्रोथ हुई है, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगी, सॉइल भी बताऊंगी। अब मैं इसको ग्रो करना बताती हूँ। पहले हम लोबिया और गवारा एक जगह लगा देंगे क्योंकि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और सॉइल भी इसकी ठीक ठीक हो। मैंने क्या लिया है, गार्डन सॉइल 50% काउडंग 20% और वर्मी कंपोस्ट 20% लेके मैंने इसको ग्रो किया है। और इसके साथ ही मैं आज वाटरिंग कर दूँगी, काफ़ी अच्छी वाटरिंग करूँगी ताकि मेरे को अगले दिन, अगर नहीं चाहो तो आप मत करो वाटरिंग, और वाटर भी आप स्प्रे के साथ करें ताकि हमारा जो सीड है वो अपनी जगह से हिले नहीं। बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमने ध्यान में रखनी होती है। अगर हम वो ध्यान में रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा सीड ज़रूर ग्रो करेगा। ये लोबिया, गवारा और लोबिया मैंने दोनों इकट्ठे ग्रो किए हैं, एक क्यारी उसकी बनाई, एक क्यारी उसकी बनाई। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप जो मैंने क्या किया, जब मैंने क्यारी बनाई लोबिया और गवारा के लिए, तो उसमें मैंने क्या किया, पहले उसको मैंने अच्छी तरह वाटरिंग कर दी। एक दिन पहले मैंने उसको अच्छा वाटर दिया, जिससे क्या हुआ कि वो मेरी जो ये सॉयल है, ये जो क्यारी बनी हुई है, वो बिल्कुल ही बहुत ही सॉफ्ट और गीली गीली हैं, वेट सी हैं। तो आप अगर शावर से पानी देते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे बीज बहुत जल्दी ग्रो हो चुके हैं। आप हमेशा क्यारी को एक दिन पहले पानी डाल के ग्रो करें। कितनी हो गया, व्यूअर्स आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे कितना पानी किया हुआ है, क्यारी में पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है। अब मैं इसको भिंडी के लिए तैयार कर दूँगी। ये भिंडी के सीड हैं, इनको आप एक एक दो दो की रेशो में लगा दें और ऊपर से हम थोड़ी सी वाटरिंग और कर देंगे क्योंकि मैंने कल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्यारी को भर दिया था और जिस वजह से बहुत ज़्यादा गीला है ये क्यारी भी और मेरे गमले भी। आप स्प्रे से वाटर कर दें तो आप देखेंगे कि आपका सीड भी दिखाई नहीं दे रहा और आपका ये पानी है वो हमारा उसमें चला गया है क्यारी। व्यूअर्स, ये 15 दिन की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है गवारा, चोला और भिंडी की। और इसके साथ ही मैंने जो आपको बताया कि आप सॉयल और वाटरिंग का ध्यान रखें तो आपकी फसल भी बहुत अच्छी, फल भी बहुत अच्छी जल्दी निकल जाएगा। ये 1.5 महीना हो गया है हमारे जो सीड लगाए हुए हैं, और अब मैं इसकी अपडेट दूंगी जब इसमें फलियाँ आ जाएंगी और उनको हम हार्वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाली थी भिंडी, लोबिया और गवारे की, उसमें पत्तों को कुछ बीमारी सी हो गई थी, उसके लिए मैंने ऑर्गेनिक खाद वुड ऐश का यूज़ किया था, वो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो डाल दी है, आप उसे ज़रूर वॉच करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गवारे की फली का रिजल्ट दिखा रही हूँ कि उसकी अपडेट दे रही हूँ। उससे पहले मेरे जो किचन गार्डन में अमरूद लगा हुआ है उसने बहुत अच्छी फ्रूटिंग करनी शुरू कर दी है,
वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे यहाँ जो ये किचन गार्डन में हमारे यहाँ बहुत अच्छी गवारे की चौला और भिंडी बहुत अच्छी फसल हुई है। और उस अब मैं इसको आपको हार्वेस्ट करके दिखाती हूँ कि हम कैसे हार्वेस्ट करेंगे। और साथ में मैं आपको एक बात और बता दूँ, इसमें मैंने ऑर्गेनिक जो मैंने अपनी एक वीडियो भी डाली थी उसमें मैंने ऑर्गेनिक खाद बनाई थी गड्ढा खोद के, वो बिल्कुल मिट्टी की तरह बन गई है और उसमें अब कोई स्मेल भी नहीं है। और उसमें मैंने बहुत बहुत सामान डाला था, पेस्टिसाइड भी है और ऑर्गेनिक खाद भी है, फर्टिलाइज़र भी है। ओनली मैंने इन प्लांट्स को वही दी है, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला। आप देखेंगे ये गवारा बहुत अच्छी इसने बनाया, फली भरी हुई है बिल्कुल गवारे की फली। और मुझे ये नहीं पता कि आपके क्षेत्रीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ गवारा बोलते हैं। तो ये फली बिल्कुल मेरी ऑर्गेनिक खाद से बनी हुई है और इसने बहुत अच्छा फल दिया है। ये लोबिया की फली का अपडेट है और इसको अब मैं हार्वेस्ट करूँगी, जैसे मैंने गवारे की फली हार्वेस्ट की थी, और इसी तरह से मैं आपको भिंडी की भी अपडेट दिखाऊँगी। ये आपको मैं अपनी यहाँ की भिंडी जो मेरे किचन गार्डन में लगी हुई है उसका रिजल्ट दिखा रही हूँ, अपडेट दे रही हूँ। ये भिंडी जो मैंने वुड ऐश छिड़का था, अब आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट। मेरे किचन गार्डन से आप देख रहे हैं मैंने गवारा, भिंडी और लोबिया, चोला जिसे हम हमारे पंजाब में बोलते हैं, उसको मैंने हार्वेस्ट किया है। और इसकी फली का आप साइज़ देखेंगे कि काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल ऑर्गेनिक, इन सारे सामान को फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक ही दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक का बटन भी दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।